एटीएम कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका एटीएम कार्ड अब नहीं है सुरक्षित। एटीएम कार्ड का क्लोन बनाने वाले लुटेरे आपके एटीएम पर नजर रखे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एटीएम का क्लोन बनाकर लाखों रुपए की ठगी की है। गुरुग्राम पुलिस ने 4 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के क्लोन बनाकर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। चारों शातिर अपराधियों में शुभम और सोमाजीत पीवीआर सिनेमा की कैंटीन में काम करते थे और यहीं से लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का क्लोन बनाते थे। गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग में इंस्पेक्टर आनंद ने केस FIR नंबर 169 जो कि पुलिस स्टेशन सेक्टर 56 के अंदर रजिस्टर हुआ था। 25 मई की ये घटना थी जब वहाँ पे FIR दर्ज हुई थी कि किसी व्यक्ति का कार्ड क्लोन करके उसके ATM से पैसे विड्रॉल हो गए हैं और 50,000 रुपये उसके निकाल लिए गए हैं। इस मैटर के अलावा और भी कुछ ऐसी शिकायतें साइबर क्राइम में प्राप्त हुई थी कि कार्ड क्लोनिंग के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और लोगों के पास कार्ड उनके जेब में होता है, उसके बावजूद भी उनको मैसेज आता टेलीफोन पे कि किसी ने ATM पे जाके कार्ड के माध्यम से उनके पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। इस टीम के ऊपर काम करते हुए इंस्पेक्टर आनंद ने और उनकी पूरी टीम ने अलग अलग जो जो लोकेशंस इनके पास आ रही थी जहाँ जहाँ से विड्रॉल हो रहे थे उन सभी के ऊपर रेकी स्टार्ट की और वहाँ से एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट किया। तो इन लोगों ने परसों एक दोषी है जिसका नाम है संजय जाट, ये बेसिकली मूलतः राजस्थान का रहने वाला है और इसके CCTV फुटेज में इसके फोटोग्राफ आई थी और इवेंचुअली इसको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त की। इसे पूछताछ के दौरान ये बात के तथ्य सामने आए कि इस सारे गैंग का सरगना है अजय राघव जो कि मथुरा का रहने वाला है और ये व्यक्ति इससे पहले PVR सिनेमाज में उनकी कैंटीन में काम करता था और इन लोगों के पास एक कार्ड रीडर करके एक छोटी सी मशीन है जिसको आपको मैं दिखाऊँ, ये इस टाइम हमने सील कर रखी है। ये छोटी सी एक मशीन है 2 इंच बाई 2 इंच की, जो कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी खाने का सामान जब खरीदता था तो ये उसका ATM पिन नोट कर लेते थे और उस दौरान जब वो इसके हैंड ओवर कार्ड इनको करता था तो किसी भी बहाने से, क्योंकि तकरीबन आपने देखा होगा कि बस हाइट तक के काउंटर्स होते हैं और नीचे हाथ क्या कर रहा है इसका पता नहीं लग पाता और इस छोटी सी मशीन के अंदर कार्ड स्वाप करके उस कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड रीडर के अंदर आ जाती थी। इस कार्ड रीडर के पास इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये केबल के माध्यम से इसको कंप्यूटर में डाल लेते और उसके उपरांत इस लैपटॉप से ये एक कार्ड राइटर करके मशीन है, इस कार्ड राइटर के माध्यम से ये अलग नए ATM कार्ड बना लेते थे और ऑलरेडी इन सभी का पिन ये जब उस ग्राहक के द्वारा जब उस सामान की पेमेंट की जा रही थी ये किसी भी बहाने से आंखें चुरा के उसका पिन नोट कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक हाईटेक ठगों की टोली इन 3 महीनों में 20 से 25 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनसे कार्ड क्लोनिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान भी बरामद कर लिया है। योगेश कुमार, इंडिया एक्सप्रेस, गुरुग्राम।